महाराज। हेलो, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? भैया, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन मुझे एक दुख है, ग्लानि है, खेद है कि मेरे आज तक कोई सुपुत्र नहीं। तो गुरु गृह गयउ तुरत नहीं पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। इसलिए हे राजेंद्र, मैं भली भांति जानता हूं कि अगर यहां किसी के ऊपर कोई मुसीबत या संकट आता था तो सीधे गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते थे और उसका निवारण भी कर देते थे, या कोई रास्ता या कोई मार्ग बता देते थे जिससे कल्याण हो जाता था। अगर मेरी राय मानिए तो आप सीधे गुरुदेव जी के पास जाए। ठीक कहते हो भैया सुमंत, क्यों ना अपने कुल गुरु के पास चलना चाहिए। मुझे निराकरण, मेरा निराकरण वहीं से होगा। हाँ महाराज। यश और प्रताप को गुरुदेव जी सुमंत्र का भी प्रणाम स्वीकार करें। अयोध्या नरेश, ये गुरुदेव आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहीं गुरुदेव, आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ उस उद्देश्य को आपके द्वारा ही पूर्ण होना। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहो नरेश, आज कैसे गुरुदेव के यहां आप पहुंच गए, इसका कारण बताइए। और यह आपका चेहरा मलिन क्यों है? गुरुदेव, आपकी कृपा से सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं है। आपके आशीर्वाद से मेरा राज कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन मुझे केवल एक ही कष्ट है कि आज तक मेरे कोई सुपुत्र नहीं। तो धरहु धीर होइ है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव, अब चौथापन भी प्रारंभ है। हो सकता है ये शरीर रहे न रहे, लेकिन तो मेरे कुल में कोई नहीं है कि जो मेरे आगामी इस राजपाट को चला सके। आप ठीक कहते हैं राजन, हर इंसान एक पुत्र के लिए अपनी जीवन में तड़पता रहता है जब तक उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आज वही हाल तुम्हें भी है कि आगे राज सिंहासन को चलाने वाला, राज के कार्य को देखने वाला, अपने कुल का उजियारा तुम्हें जब नहीं दिखाई दे रहा है तो संताप तो होगा ही। इसलिए हे राजन सुनो, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो, तुम्हें चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। चार पुत्रों की प्राप्ति? क्या चार पुत्रों की? हाँ महाराज, तुम्हें चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो श्रृंगेरी सहे वशिष्ठ बुलाओ, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ। हे राजन, कहिए गुरुदेव। अभी तक तो तुम्हें एक पुत्र की गलानी थी,
एक पुत्र का दुख था, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हें चार पुत्र प्राप्त होंगे। तुम्हारे कुलों में यह रीति चली आई है, बहुत दिनों से परंपरा बन आई है कि जब तक कोई यज्ञ नहीं होता है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इसी पास के जंगल में एक श्रृंगी ऋखी नाम के महात्मा रहते हैं, आप उन्हें बुलवा लीजिए और उनके द्वारा हम पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। भैया सुमंत कहिए महाराज, तुम जाओ और गुरुदेव श्रृंगी जी को उनकी तलाश करके और तत्काल यहां पर ले आओ। जैसी आज्ञा। जाओ तो श्रृंगेरे साहे वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ तक सुमंत जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाते हैं, तब तक द्वारपाल से बोलिए कि ये यज्ञ स्थल की व्यवस्था करें। आए द्वारपाल, तुम लोग यज्ञ स्थान को सफाई करके हवन कुंड का निर्माण कराओ, जो भी आवश्यकता उसमें है सारे आवश्यकताओं को पूर्ण करा दो। हेलो राज प्रणाम। मैं तो सोच रहा था कि हो सकता है कि आप अपने स्थान पर हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा मौका था कि सुमत ने तो आपको खोज निकाला और आप यहां तक आ गए। कहिए गुरुदेव, मुझे याद किया गया। आपको मैंने बुलवाया है और महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के कोई सुपुत्र नहीं है, इसलिए आप इनके नाम का पुत्रेष्ट यज्ञ करवा दीजिए जिससे इन्हें संतान मिल जाए। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। अब ये यज्ञ सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर संपन्न होगा, इसलिए यज्ञ की सामग्री व्यवस्थित की जाए। अब आप कृपा करके वही चलिए, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी होंगी। ठीक है। कल्याण यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान।
राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और जो आपने ये यज्ञ किया है उससे तो मैं और अति प्रसन्न हो गया हूँ। राजन, ये लो, ये जो हव्य मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, ये ले जाकर के अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर भागों में बांट देना। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी राजन। तथास्तु। धन्य हो। अब की जय। जय। राजन, अब ईश्वर ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे संतान की उत्पत्ति अवश्य हो। जो गुरुदेव जी ने अपने दिल में विचारा है वो तुम्हारा सारा काम पूर्ण हो गया। Thank you.
बचा दोगे। अब हम अपने आश्रम हेलो अरे राम बहन के कही हाँ बहन देखो हमारी महाराज ने वो देखो महाराज आ गए। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या दी तहां चले आए। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ, उसे स्वीकार करो। प्रणाम स्वामी। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा भाग आधे कर लीन्हा। कहो नाथ हाँ स्वामी ठीक है जो अज्ञान कह के ही कहा निरपसदयउ रहो स्वभाग उभय पुनि भयउ। कौशल्या कह के ही हाथ धरे देन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। ठीक है स्वामी जो आपकी आज्ञा है हम तीनों रानियां वही करेंगे। देखो बहन के बहन सुमित्रा। हाँ बहन बोलो ना। देखो हमारे महाराज जी जो अग्निदेव भगवान का महायज्ञ किया है अग्निदेव भगवान प्रसन्न हो करके अपनी इच्छा अनुसार ये प्रसाद दिया है और उन्होंने महाराज से कहा है कि जाओ तुम अपने तीनों रानियों को बराबर बराबर खिला दो और भगवान चाहेगा तो तुम्हारे घर तुम्हारा वंशावली तुम्हारे घर बच्चा होगा। तो हम तीनों मिलकर के बराबर बराबर खा लेते हैं लेकिन बहन के कही सुनो ना तुम अपने में से थोड़ा सा और मैं अपने में से थोड़ा सा ये छोटी है सुमित्रा इसको हम और दे देते हैं ठीक है ना। ठीक है भुआ जी भला मैं बारी बारी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना बारी बारी साजना बारी बारी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना आज भला मैं बारी बारी पंडिता भाई ए अंगना बाबा पंडिता भाई मोरे अंगना हली हली